शिवाय। आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म और ज्ञान में। क्या आप जानते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का रहस्य? ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्तियाँ और इसके चमत्कार, आज इसी विषय पर चर्चा करूंगी। यदि कोई 5 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लेता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से उसे क्या प्राप्त होता है? इस मंत्र के जप से क्या प्राप्त होता है, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इसे, जो भी चैनल पे नए हों, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय तो जरूर लिखें। अब हम चर्चा करते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र से प्राप्त होने वाली चमत्कारी लाभ की। तो देखिए बंधुओं, ये 2 मंत्र हैं। एक मंत्र है पंचाक्षरी, जो केवल 5 अक्षरों का मंत्र है नमः शिवाय। दूसरा मंत्र है षडाक्षरी, जो 6 अक्षरों का मंत्र है ओम नमः शिवाय। माना जाता है कि किसी मंत्र के आगे ओम ला दिया जाए तो उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। दूसरा लाभ इसका ये होता है, कि जब हम मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र की शक्ति हमारे अंदर तेजी से आने लगती है, हमारे अंदर समावेश होने लगती है। यदि हमारी शारीरिक स्थिति, हमारे चक्रों की स्थिति ठीक नहीं है तो उस ऊर्जा को सहन करने में हमारा शरीर सक्षम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चक्र अस्तव्यस्त हो जाते हैं। यदि हम ओम लगा देते हैं तो फिर ओम के जरिए उतनी ही शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी जितनी कि हमारे शरीर को झेलने की उसमें क्षमता होगी। ओम लगाने का औचित्य यह है, यह केवल मंत्र की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लगाया जाता। अब हम चर्चा करते हैं, यदि हम 5 लाख मंत्र का जप करने का संकल्प लेते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या हमारे शरीर और हमारे चक्रों में परिवर्तन आते हैं, क्या हमारे तत्वों में क्या परिवर्तन आते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह मंत्र ब्रह्मांड का शक्तिशाली मंत्र है, इससे वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो आप चाहते हैं। सब कुछ प्राप्त कराने में यह मंत्र सक्षम है। इस मंत्र का जाप आप शुरू करें किसी भी सोमवार के दिन, या सोमवार की अमावस्या के दिन, या शिवरात्रि के दिन आप इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई भी मतलब नहीं है। इसे किसी भी दिन सोमवार के दिन शुरू कर सकते हैं। स्नान इत्यादि करने के उपरांत आप इसका जप करेंगे। सबसे पहले आप भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करेंगे, मूर्ति है तो मूर्ति का पूजन करेंगे। पूजन करने के उपरांत आप इसका जप अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर करेंगे। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का सूचक है। इससे अच्छी और कोई दूसरी माला नहीं है। जाप करते समय भगवान शिव का ध्यान करें। जाप शुरू में आंख खोलकर करें ताकि मन भटकाव की स्थिति में ना आए। जाप करते समय शुरू में अपने सामने शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति रखें और जाप करते समय अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखें ताकि शरीर में प्राणों का संचार ठीक से हो सके। जब हम इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हैं तो सबसे पहले क्या उद्देश्य होता है, जप करने से वो सबसे पहले हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा, उसके बाद हमारे शरीर का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। जो हमारे शरीर में कमियां हैं, नकारात्मकता है, वो दूर होने लगती है।
60-70 हजार मंत्रों के जाप के बाद ही हमारे शरीर में रहने वाले रोग 70-80% समाप्त हो जाते हैं। जब हम साधना करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। शिव मंत्र के जाप करने वाले की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस बात को गांठ मान लीजिए कि साधना में विघ्न आते ही हैं, बेवजह ही हमारे शत्रु पैदा हो जाएंगे। हजारों शत्रु भी आपका लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि आप 5 लाख जाप करने का संकल्प लिया है तो शत्रुता करने की शक्ति भी लोगों की समाप्त हो जाएगी आपके सामने। आपका जब आगे बढ़ता रहेगा, अनहत रूप से आपका जब चलना चाहिए, शरीर की सारे परेशानी दूर हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लेता है, चाहे वो नास्तिक हो लेकिन किसी भी मनोकामना के लिए वो संकल्प लेता है। तो वो व्यक्ति भी धीरे धीरे आस्तिक बन जाता है, भगवान शिव का परम भक्त बन जाता है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उसका ध्यान स्तर आगे बढ़ जाता है। भगवान शिव की कृपा से उसे पता चल जाएगा कि अध्यात्म क्या है। श्रद्धा विश्वास के साथ जो साधना करेंगे उनका तो कहना ही क्या, अश्रद्धा से करने वाले का भी कल्याण हो जाता है। जिस दिन से आप संकल्प लेंगे, भगवान शिव के सेवक, भगवान शिव के दूत, भगवान शिव की कोई शक्ति उसी दिन से आपके घर के अंदर अपना निवास स्थान बना लेगी, आपके घर में प्रवेश कर लेगी। और ये जान लीजिए, जब भगवान शिव की शक्ति अपना निवास स्थान आपके घर में कर लेगी तो शैतानी शक्ति यदि घर में है तो भाग जाएगी, टिकेगी नहीं। शैतानी शक्तियों को भगाने का सबसे अच्छा साधन है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। दूसरा, इससे क्या लाभ होगा? जब हमारी जब संख्या बढ़ जाएगी, 1 लाख के पास पहुंच जाएगी, तब क्या होगा? भगवान शिव या उनके दूतों का सपन के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से दर्शन होना भी शुरू हो जाएगा। दर्शन भी होगा और मार्गदर्शन भी होगा। यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो मार्गदर्शन से हमें ऐसा अनुभव होगा, भगवान शिव की कृपा से ऐसा होता है। और आपको रोक दिया जाएगा कि आप गलत करने जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारी साधना आगे बढ़ती जाएगी तो हमारी पूर्व शक्तियों का, जो पिछले जन्म में हमने साधना की हुई है, वो शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाएंगी। उनका आभास हमें मिलेगा और हमारे शरीर की कुंडली धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगी और हमारे चक्र धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएंगी। हमारी उपतंत्रिका में परिमार्जित होना शक्तियां शुरू हो जाएंगी। हमारा आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम थर्ड आई या शिव आई भी कहते हैं। जहां महिलाएं और पुरुष तिलक लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र का स्थान होता है। सिर से पैर तक 6 चक्र होते हैं। शरीर में धीरे धीरे 6 चक्र रूपी यंत्रों का जागरण शुरू हो जाता है। तब क्या होता है? जब ये चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं तो इन चक्रों में स्पंदन होता है, जनजनाहट होती है, कंपन का अनुभव होता है, कभी हमें गर्मी का अनुभव होता है, कभी हमें सर्दी का अनुभव होता है, तो कभी हमें दुर्गंध अनुभव होती है, तो कभी हमें सुगंध अनुभव होती है, झटके आना और दर्द का अनुभव शुरू होता है, और हृदय चक्र में आते आते लगता है कि अब प्राणांत होने वाला है, आप मरने वाले हैं। और इसके बावजूद भी यदि आप साधना करते रहे तो ये सब समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जब चक्र जागृत होने लगता है तो पता चलता है कि क्या प्राप्त होता है। मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो वहाँ गणेश जी का निवास स्थान है, वहाँ की शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। ब्रह्मा जी का निवास स्थान है इंद्रियां। जब इंद्रिय चक्र जागृत होता है तो ब्रह्मा जी की शक्तियां मिलना शुरू हो जाती हैं। नाभि चक्र पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। जब नाभि चक्र जागृत होता है तो विष्णु भगवान की शक्तियां
अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं और हृदय चक्र पर भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास स्थान है। वहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती की शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। कंठ चक्र पर देवी दुर्गा की शक्तियाँ जागृत होती हैं। देवी दुर्गा की शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं और मस्तिष्क पे आते आते हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। यह सब ऐसे नहीं खुलता, उसके पिछले जन्म की साधना का भी फल इस जन्म में मिल जाता है। लेकिन पिछले जन्म में भी उसने साधना की हो या उसने जो संकल्प लिया है बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही विश्वास के साथ शुरू किया हो, क्योंकि बिना श्रद्धा के कुछ नहीं प्राप्त होता। उस साधक की दिव्य दृष्टि जब खुलती है, जब उसे भगवान शिव पे अटूट ही विश्वास होता है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी परीक्षाओं से होकर उसे गुजरना पड़ता है। हर मंत्र का पुरुष चरण होता है। जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख बार जब किया जाए तो एक पुरुष चरण माना जाता है। जैसे नवशिवाय में 5 अक्षर हैं, तो इस मंत्र का पुरुष चरण 5 लाख का होता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का मंत्र है, तो इसका पुरुष चरण 24 अक्षरों का होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षरों का मंत्र है, इसलिए इसका पुरुष चरण 12 लाख जपने से होता है। मंत्र जाप करने के बाद इसका दशांश हवन भी करना पड़ता है, जिसकी संख्या 10% होती है। उसके बाद आपको स्वतः ही सिद्धि मिल जाएगी। दूसरे, आपको वाणी की सिद्धि भी मिल जाती है, दूरदर्शिता भी मिल जाती है। मतलब जो भी कुछ पहल होने वाला होता है वो आपको पहले से पता चल जाता है। विचार संप्रेषण होना शुरू हो जाता है। किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि कोई भी आप पे तंत्र क्रिया कराता है वो भी हल्के फुल्के होके शांत हो जाती है। हल्का फुल्का प्रभाव भी यूं पड़ेगा कि भी हम साधक हैं, सिद्ध नहीं हुए। सिद्ध होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन की इच्छाएं भी अपने आप शांत होने लगती हैं, क्योंकि हमें संसार की नश्वरता का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। संसार का सारा ज्ञान आज्ञा चक्र से ही निकलता है, चाहे वो वेद पुराण हो, पोथी हो, सब हमारे अंदर ही है, क्योंकि यह परमात्मा की शक्ति आत्मा हमारे अंदर ही निवास करती है। परमात्मा से ही सब कुछ मौजूद हुआ है, उसका अंश आत्मा यहाँ स्थित है। सारी शक्तियाँ, सारा ज्ञान यहाँ से हो जाता है। देखा जाए तो गुरु नानक साहिब, कबीर दास जी, सूरदास जी, इन्होंने स्कूली कोई भी पढ़ाई नहीं की, कोई ऐसी इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इन्हें सिद्धि प्राप्त किए सत्पुरुषों का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम जाप कर करके ही दिव्य दृष्टि अपनी जागृत कर ली, इसलिए इनका नाम आज भी पढ़ा जाता है या अच्छे सिद्ध महापुरुषों में इनका नाम लिया जाता है। एक दिन का विषय नहीं है, केवल 5 लाख मंत्र जाप का ही विषय नहीं है। साधना अनवरत रूप से चलेगी तभी कुछ मिलेगा। मतलब 5 लाख के संकल्प होने के बाद भी जो मनुष्य ने यह संकल्प लिया है और उसका जाप भी पूरा हो जाए, उसके बाद दिव्य लगातार जाप करता रहे, तब जाके इतना कुछ मिलता है। एक दिन की भी नागर ना किया हो, नहीं तो सारा जाप बेकार चला जाता है। यात्रा कर रहे हैं किसी भी अवस्था में है, अपनी माला की जो भी संख्या नियत की है उसे उतनी रोज ही जपे। जब ऐसा संकल्प होता है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ग्रस्त जीवन में बहुत ही समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बीच रहते हुए यह जाप करना होता है। आपको वो मिलेगा जिसकी तुलना भी नहीं की। संसार की ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो आप इस मंत्र से पूरी ना कर सकें। कोई समृद्धि भी आपको इस मंत्र से प्राप्त हो सकती है, ऐसी कोई भी समृद्धि नहीं जो इस मंत्र से आपको प्राप्त ना हो। जाप के अंत में दशांश आहुति लगानी चाहिए, ऐसा विधान है। यदि आप नहीं कर सकते तो दशांश जप कर लीजिए, फिर 108 मंत्रों से हवन आहुति कर लीजिए या किसी को बुलाकर करा लीजिए। लेकिन किसी भी ब्राह्मण दंपति को, मतलब हस्बैंड वाइफ पति पत्नी को शिव पार्वती मानकर भोजन इत्यादि दान वस्त्र अपनी श्रद्धा अनुसार देने होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। अब हम
अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।